तो बीती 13 मई को 17 साल का युवक अवैध मादक पदार्थ गांजा विक्रय करते हुए पाया गया था। इस मामले पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही की गई थी। वही युवक का चाचा, जो कि अपने भतीजे से गांजा विक्रय कराता था, जो कि घटना दिनांक से फरार चल रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बीती रात्रि को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में ले लिया। आपको बता दें कि युवक का चाचा एक आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना सिविल लाइन और सटई में जुआ, अवैध शराब, अवैध गांजा, मारपीट जैसे 10 अपराध दर्ज हैं। जी, दिनांक 13 मई को मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गांजा बेच रहा है, जिसको पुलिस की हमराई फोर्स की मदद से पकड़ा गया था, जिसमें उससे पूछताछ की गई थी, जिसने उस पीताम्बरा मंदिर के पास गांजा मिला था, जिससे पूछताछ की गई थी, जिसने कई आरोपी बताए थे। उसमें जो मुख्य आरोपी था चिट्टू उर्फ राज बहादुर, इस पे पूर्व में भी कई सारे अवैध नशे के गांजा बेचने के प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, उस मुख्य आरोपी को आज दिनांक को हमने गिरफ्तार किया है। आरोपी से भी पूछताछ की गई है, और जैसा कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के लगातार निर्देशन रहते हैं कि नशे के विरुद्ध जो चैन है, जो व्यक्ति नशे की सामग्री बेच रहा है वो कहाँ से लेकर आया, उस संबंध में हमने उससे पूछताछ की है। उसने कुछ नाम भी बताए हैं, जिसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।